अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल आप अपने घरों में खैरियत से होंगे, खैरियत को खूब खूब इंजॉय कर रहे होंगे और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से फ़ायदा उठा रहे होंगे। जी व्यूअर्स, अगर कोई परेशानी है, कोई तकलीफ़ है, कोई रंज है तो अल्लाह ताला उसे दूर फरमाए और आपके लिए राहत और आसानियों वाला मामला फरमाए। जी व्यूअर्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पराठा अंडा। उसके लिए मैंने 1 कप ऑल पर्पज़ आटा लिया, फ्लोर लिया है, मैदा लिया है और 1/2 कप मैंने आटा ले लिया। इसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैंने नमक डाला है, 1 टेबलस्पून ज़ीरा डाला है और थोड़ा सा धनिया डाल के इसको मिक्स कर लिया। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हम आटे को गूंद लेंगे। जैसे नॉर्मल आटा हम गूंदते हैं वैसे ही हम इसे गूंद लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर। जी व्यूअर्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स देना तो ना भूला करें, बिल्कुल भी ना भूला करें। जी व्यूअर्स, हम हल्के हाथों थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर आटा गूंद रहे हैं। तो दोबारा से गूंद लेंगे। जी व्यूअर्स, आटा हमारा हो गया रेडी। इसको करते हैं 1 प्लास्टिक रोल से कवर और इसको स्टे देते हैं 10 से 15 मिनट तक। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा टाइम भी आप रख सकते हैं। जी व्यूअर्स, उतनी देर हम अंडे का मिक्सर तैयार करते हैं, बंद गोभी लेते हैं और उसकी 1 लेयर काट कर उसको बारीक बारीक सा काट लेते हैं। एक मीडियम साइज़ का प्याज लेकर इसको भी बारीक बारीक सा चॉप कर लेते हैं। साथ 2 हरी मिर्चें भी प्याज के काट लेंगे। एक मीडियम साइज़ का टमाटर ले लें, इसको भी बारीक बारीक सा काट लें और 1/2 हम डाल देंगे ऑमलेट में और 1/2 रख लेंगे सौते करने के लिए। जी व्यूअर्स, इन सारी सब्जियों को हम सौते कर लेते हैं। 3 अंडे लेते हैं, इनको अच्छी तरह से बीट करते हैं। इसमें डालते हैं 1/2 टेबल स्पून के करीब हल्दी, 1/2 टेबल स्पून, 1 टेबल स्पून के करीब नमक और 1/2 टेबल स्पून के करीब नमक, दादर मिर्च और ज़ीरा और इनको कर लेते हैं खूब मिक्स। इसमें डालते हैं सौते किया हुआ प्याज, जो बचा हुआ टमाटर था वो डालते हैं, हरा धनिया डालते हैं और एक पेड़ा बना लेते हैं, आम पेड़ा जो रोटी का बनाते हैं। रोटी बनाकर इसके स्ट्रिप्स काट लें और स्ट्रिप्स को रोल करते जाएं और पेड़ा बना लें। जी व्यूअर्स, ये देखें हमारा पेड़ा हो गया है रेडी। आज हम बनाने जा रहे हैं अंडा पराठा। दूसरा पेड़ा भी इसी तरह से बना लेते हैं। ऑयल लगाएं, थोड़ा सा आटा लगाएं ऊपर और इसको कर लें रोल। ये हमारा हो गया पेड़ा रेडी। हमारे साथ रहिएगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कर दीजिएगा ना। नॉर्मली जैसे हम पराठा बनाते हैं, हम वो पराठा बना लेंगे। तवे को पहले से प्री हीट किया हुआ था, ऊपर डालें पराठा, इसको अलट पलट करें, ऊपर डालें घी और ये लें जी हमारा पराठा जो था वो फूल गया। किसी की रोटी नहीं फूलती, हमारे पराठे भी फूलते हैं, देखें जी। जी व्यूअर्स, दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तवे पे डालें ऑमलेट, ऑमलेट के ऊपर डालें रखें पराठा जो हमने पहले से तैयार करके रखा हुआ था। साइडों को कवर कर लें और ऊपर से पराठे को प्रेस कर दें और ये लें जी हमारा मज़ेदार सा अंडा पराठा रेडी है। दूसरा पराठा भी हम इसी तरह से रेडी कर लेंगे। जी व्यूअर्स, हमारे साथ रहिएगा और हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड तक सारी वीडियो ज़रूर देखिएगा और हमारे साथ रहने का बहुत शुक्रिया। स्टे विद अस, स्टे ब्लेस्ड, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। हमारा नाश्ता रेडी है, आप भी अपना नाश्ता बनाएं और रेडी करें। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल भी रखिएगा।